मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। हर हर महादेव। तो साथियों, आदि शंकराचार्य मंदिर के मुखार बिंदु जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की तपस्या स्थल पर हर हर महादेव। रुको भाई, रुको, जान लोगे का? मंदिर है, मंदिर के पीछे से ही रास्ता है गौरी कुंड का। तो साथियों, डल लेक में बोट हाउस और बोट राइडिंग का मजा लेने के बाद हम बढ़ चले हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के मंदिर पर। देख सकते हैं कि मतलब श्रीनगर के कहा जाए तो एक चोटी पर स्थित है, तो श्रीनगर के किसी भी कोने से आप देखेंगे तो आदि शंकराचार्य का यह मंदिर आपको नजर आएगा। चार जगह तो हमें समझ में आया कि आप श्रीनगर आ रहे हैं तो लाल चौक, बोट हाउस में नाइट स्टे, नौका विहार आपको डल लेक में, और आदि शंकराचार्य के दर्शन। ये चार बहुत अनिवार्य हैं अगर आप श्रीनगर को के सफर को पूर्ण करना चाह रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं भक्तजनों की यह भीड़, और लगभग 1.5-2 किलोमीटर का यह गाड़ी का काफिला लगा हुआ है। हमारी भी गाड़ी लगभग 1.5 किलोमीटर पहले ही खड़ी करनी पड़ी हमें, क्योंकि ऊपर बहुत सारे भक्तजन पहुंच गए हैं और हम भी बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। देखिए, कश्मीर पूरा ढक गया है कोहरे से। आप देख सकते हैं कितने ऊपर हम आ चले हैं। मीटर पहले हमें मिल गया ऑटो 100 रुपए में, तो हम भाई बैठ गए। हाय गाइस, हाउ आर यू? और साथियों, हम मंदिर के मुखार बिंदु पर पहुंच गए हैं। खड़े होने जा रहे हैं भक्तों के इस दर्शन के लिए जो लाइन लगी है, उसमें लाइन में खड़े हो गए हैं साथियों। इधर लेडीज का है, इधर जेंट्स का जाने का है। बताता चलूं, यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आदि शंकराचार्य मंदिर के मुखार बिंदु से अब हम प्रवेश करने वाले हैं। आखिरी चरण में हम पहुंच चले हैं आदि शंकराचार्य जी के इस मंदिर की तरफ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथियों, मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करने वाले हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में, डल लेक के लगभग 1000 फीट ऊपर स्थित जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का यह मंदिर। साथियों, मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय भोलेनाथ। जय श्री शंभु। पता चलूं, यह गोपाद्री पहाड़ी पर महादेव का, यह जो जठेश्वर महादेव का मंदिर आप देख रहे हैं, यह इसके बनावट शैली देखेंगे तो अष्ट भुजाकार टाइप का बना है, और इसके शैली को देखकर यह माना जाता है कि यह 6वीं या 7वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। इसके साथ जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो द्वार के समीप ही 2 अभिलेख पाए गए हैं। वह 2 अभिलेख में एक में 1649 की फारसी में लिखी हुई अभिलेख है, और दूसरे अभिलेख से पता चलता है कि 1644 ईस्वी में शाहजहां ने इसके स्तंभ और
इस मंदिर का छत का भी निर्माण कराया था। तो काफी खूबसूरत वादियों के बीच में आपको एक विहंगम दृश्य मिलता है श्रीनगर का भी। अभी तो फिलहाल कोहरा है, तो बहुत ही खूबसूरत एक एहसास के साथ भक्तिमय वातावरण यहाँ रहता है। तो श्रीनगर आए तो अवश्य ही महादेव का आशीर्वाद इस जटेश्वर महादेव आदि शंकराचार्य मंदिर पर अवश्य ले। साथियों, हम प्रवेश करने वाले हैं जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी की तपस्या स्थल पर। यह स्थान जब वो 8वीं शताब्दी में आए थे तो शंकराचार्य जी यहाँ पे बैठ के तपस्या किए थे। तपस्या स्थली आदि शंकराचार्य जी की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। रुकिएगा, निकलने दीजिएगा। जय गुरुदेव। गुरु आदि शंकराचार्य जी, जहाँ तक मैंने जितनी धर्म यात्रा की है और जितना समझा है, शंकराचार्य जी ने ही इस हिंदू सनातन धर्म को एक माला में पिरोया। आज जो चार धर्म, चार मठ हैं, चार जो हमारे धाम हैं, उसका पुनर्स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने ही किया है। यहाँ पर आप लगभग 1000 फीट की दूरी समुद्र तल से या कहें या डल लेक से ऊपर आते हैं तो 244 सीढ़ियों की यात्रा कर आप यह महादेव का, जटेश्वर महादेव कहलाते हैं, इनके गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। शिलातपुत नंदी के साथ एक विशाल शिवलिंग इस मुख्य गर्भगृह में स्थापित है और उसी के बगल में आप देख रहे हैं 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी यहां पर आए थे और तपस्या किया था। तो यहां पर जब आएंगे इस खूबसूरत वादी में, इस जगह पर आएंगे तो महादेव के भक्ति में इतने श्रद्धालु मग्न हैं और आप श्रीनगर आए तो यहाँ पर महादेव का आशीर्वाद अवश्य लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। इस प्रस्तुति से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, यहीं पे ही समीप गौरी कुंड है, उस गौरी कुंड को देखते हैं। फिलहाल शायद वह सूख गया है, मगर फिलहाल दर्शन तो करना बनता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं गौरी कुंड की तरफ। तो वैसे देखेंगे तो देखिए पीछे ये मंदिर है, मंदिर के पीछे से ही रास्ता है गौरी कुंड का। तो यह जो देख रहे हैं साथियों, यह गौरी कुंड है। फिलहाल यह कुंड सूखा हुआ है, यहाँ से आप ये श्रीनगर के एक अच्छा खासा विहंगम दृश्य का भी आनंद ले सकते हैं। कोहरे की वजह से वो नहीं दिख रहा होगा, नहीं तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आएगा जब आप यहाँ से श्रीनगर को देखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसी के साथ साथियों, अब इस प्रस्तुति से विदा लेते हैं और आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक और धार्मिक प्रस्तुति के साथ। तब तक आप अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइज।
हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय श्री शंभु। नीचे उतर आए हैं, इधर भंडारा चल रहा है, आइए यहाँ पर चाय पीते हैं। यहाँ पर हमें कुछ महादेव भक्त मिले, तो आप लोग को कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर आके बहुत प्राचीन जगह की बातें याद आई। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, मंदिर है, खूबसूरत जगह है यहाँ पर। बहुत ऊपर से पूरा कश्मीर दिखता है यहाँ से, बहुत मन तृप्त हो गया। सही कहा, कश्मीर से सबसे अच्छी जगह है यहाँ, बहुत ही अच्छी, मन प्रसन्न हो जाता है। बोले बोले, नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आज हम ऑटो पे बैठने जा रहे हैं और ऑटो से बैठकर जाएंगे नीचे तक, जहाँ तक गाड़ी खड़ी है, क्योंकि हमें देखिए उतरने में उतनी एनर्जी तो। अरे रुको भाई, रुको, जान लोगे का? चलो चल चल चल, मजा लेते हो। चलो देखो, मैं पैर अंदर कर ले आराम से, समझे, इज्जत में रखो। और आराम, मजा ऑटो का, ऑटो का मजा, कश्मीर में पहाड़ों में ऑटो का मजा लो। जिया हो यार, 3000 मीटर पे ऑटो का मजा लिया जा रहा है और उतरा जा रहा है गाड़ी की तरफ, ताकि हम अपना समय बचा सके और पहलगाम के लिए सही समय पर निकल कर पहुंच सके और वादियों का मजा ले सके। कल सुबह देखो पहलगाम का कितना। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं आदि शंकराचार्य जी के समाधि पर। ये वो शख्स हैं, ये वो शिव जी के अंश अवतार हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को एक सूत्र में बांधा, चार मठों की स्थापना की। जय आदि शंकराचार्य, जय आदि शंकराचार्य, हर हर महादेव। जय आदि शंकराचार्य जी, जय आदि शंकराचार्य। जय बाबा आदि शंकराचार्य, जय बाबा आदि शंकराचार्य, जय आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य जी का वो प्रकरण जो इन्हें काल भैरव चंडाल के रूप में काशी में जब दर्शन देते हैं, तो एक तरह पूरे नम कुष्ठ रोगी टाइप के बने रहते हैं और उनके जो भक्तगण रहते हैं वो उसको दूर करते हैं। तो वो पूछते हैं किससे दूर, तो आदि शंकराचार्य समझे किससे दूर, क्योंकि पंचभूत से वो भी बने हैं, पंचभूत से वो चंडाल भी बना था, तो वह समझ जाते हैं कि ये काल भैरव ही है। तो शिव का जो दर्शन उन्होंने पाया था वो काशी में पाया था और उन्होंने उस चंडाल को अपना गुरु मानकर आगे, मतलब उनका आशीर्वाद लेके चले गए थे और उनके सन्यास बनने का भी वो कथा बहुत अजीब है। जब एक्चुअली सरोवर पे अपने माता के साथ ही स्नान करने जाते हैं, तो इन्हें सन्यासी बनना था, तप करना था, मगर उनकी माता उन्हें आदेश नहीं देती हैं पुत्र मोह में। तो वो जिस सरोवर में नहा रहे थे तो वो डूबने लगते हैं, तो डूबने लगते हैं तो कहा जाता है मगरमच्छ उनका पैर खींचता है। तो जब वो आखिरी तक आ जाते हैं नाग तक, तो बोलते हैं माता मुझे आदेश दे दीजिए कि मैं सन्यासी बन जाऊं, मतलब तपस्या के लिए गृह त्याग कर दूं, तो इस मगरमच्छ पैर छोड़ देगा। तो बहुत वो, मतलब एक तरह से ममता को कचोड़ते हुए ये चीज बोल देती है और वह उस समय वह मगरमच्छ उनका वह पैर छोड़ देता है। तो इस तरह उनकी यह यात्रा पूरे, मतलब एक तरह से बोला जाए तो मैं भारत जोड़ो यात्रा और सनातन धर्म को फिर से एक रिवाइव करने का जो मुख्य कार्य किया है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया है। इनका एक बहुत तगड़ा शास्त्रार्थ हुआ है बिहार के, उस समय मंडलेश्वर मिश्र मंडलेश्वर थे
और उनकी पत्नी अब नाम याद नहीं आ रहा है, विद्यावती थी कोई भी थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, वो साकार का पूजा करते थे और आदि शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के हैं, मतलब ब्रह्म एक ही ब्रह्म है। तो जब उनका शास्त्रार्थ चला मंडलेश्वर मिस मंडलेश्वर से, तो ये हुआ था तय कि अगर आदि शंकराचार्य हारेंगे ये शास्त्रार्थ तो वो गृहस्थ अपना लेंगे, अगर मिस मंडलेश्वर हारेंगे तो वो सन्यासी बन जाएंगे पत्नी के साथ। तो ठीक है, इसी तरह लगभग पता नहीं, मेरे को लग रहा है कि 11 या 15 दिन तक वह शास्त्रार्थ चला और लास्ट में मिस मंडलेश्वर वह शास्त्रार्थ हार गए, वो अपना स्वीकार कर लिए। मगर अब वहां पे उनकी पत्नी आती हैं, बोलती हैं, देखिए गृहस्थ के बाद कोई पुरुष अकेले नहीं हार सकता क्योंकि अर्धांगनी उसका आधा हिस्सा होती है, तो इस शास्त्रार्थ में आपको मुझे हराना होगा। तब उनकी पत्नी ने उनसे काम शास्त्र की सारे क्वेश्चन पूछे कि काम की कौन अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा सुख मिलता है वगैरह वगैरह, मतलब काम से जितने भी। अब ये तो बचपन से सन्यासी थे, अब इन्हें तो अनुभव था नहीं और वो जानती थी कि इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो वो उनके पत्नी से बोलते हैं कि मुझे एक महीना का समय दे दीजिए, उसके बाद इस शास्त्रार्थ को हम फिर से शुरुआत करेंगे। और तो ठीक है, इस तरह चल मतलब आज्ञा मिल जाता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो एक राजकुमार था उस जो एरिया का था, वो राजा मर गया था, शिकार करते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो अपनी आत्मा मतलब अपने सूक्ष्म शरीर को उसमें प्रवेश करते हैं, उस जो उनकी राजकुमारी थी मतलब आई मीन टू से उनकी जो वाइफ थी, तो एक महीने तक वो उसके शरीर में रह के आदि शंकराचार्य जी ये काम शास्त्र सीखते हैं। और जब 28 दिन बाद आके मिस मंडलेश्वर की पत्नी से वो शास्त्रार्थ करते हैं, तो शास्त्रार्थ चालू होने से पहले ही वो हार मान जाती हैं, बोलती हैं गुरु मुझे पता है कि अब काम शास्त्र में भी आप पूर्ण हो गए हैं, और वो दोनों उनके साथ सन्यासी बन जाते हैं, मतलब उनके शिष्य मतलब उनको गुरु मानकर उनके साथ शिष्य की तरह आजीवन मतलब सन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो मिस मंडलेश्वर और आदि शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ है उसके पूरा पुस्तिका भी है, मतलब बहुत तगड़ा वो शास्त्रार्थ है, क्योंकि आदि शंकराचार्य काशी बौद्ध भिक्षुओं और बहुत सारे लोगों से शास्त्रार्थ करते 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 इसी तरह था। आई थिंक उनकी मृत्यु 32 वर्ष में केदारनाथ में उनकी समाधि बनी हुई है हो गई थी। तो कुछ इस तरह आदि शंकराचार्य का एक छोटा जीवन रहा है, जीवन और भी इनके मतलब हर एक घटना रही है इनके, मगर जितनी याद आई मैं सोचा आपके साथ यहाँ पर आदि शंकराचार्य के इस तपोस्थली और जटेश्वर महादेव के धाम पर आपसे शेयर कर दूं। तो काफ़ी एक्चुअली काफ़ी ऊंचा और महादेव जहां पर प्रतिष्ठापित रहते हैं तो अलग वातावरण में ऊर्जा तो रहती है। आप देखेंगे तो अच्छे खासे भक्तगण जितने भी लोग आते हैं यहां पर श्रीनगर अवश्य ही महादेव का आशीर्वाद लेने और जगत गुरु आदि शंकराचार्य के उस योगदान को इस संस्कृति और सनातन हिंदू धर्म को लेकर मतलब नमन उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सही है, बढ़िया लगा आप लोग का, मजा आया, बढ़िया था ना शिव जी। और इसके बाद हम निकल चलेंगे एक और बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन पहलगाम। नमः पार्वते पते हरा।